हेलो फ्रेंड्स, आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर और ये प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर है जो चंडीगढ़ रीजन में कंडक्ट किया गया। इस प्री बोर्ड क्वेश्चन पेपर को हम सॉल्यूशन के साथ आपके साथ में लेकर आए हैं टीचर ट्यूब कि इस वीडियो में हम बात करेंगे टोटल 15 क्वेश्चंस की और इन 15 क्वेश्चंस में कौन कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले एग्जाम के लिए, उनके बारे में भी हम बात करेंगे। आई होप आप वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखेंगे और ये वीडियो पूरे देश के सभी सीबीएसई से जो रिलेटेड स्कूल्स हैं और स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं उन सब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। सो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा शुरू से आखिर तक इसको देखें। सबसे पहले शुरुआत करते हैं, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो इसमें दिया गया था, सो फर्स्ट क्वेश्चन वाज गिव द रीजन फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द फर्स्ट क्वेश्चन इज कार्बन फॉर्म्स लार्जर नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, बार बार ये क्वेश्चन रिपीट होता है और इस क्वेश्चन के लिए ज्यादा बड़े कोई क्वेश्चन आंसर इसमें है नहीं, बहुत ही इजीली इसके क्वेश्चन है। इसके दो रीजन जो हमने दिखाते हैं, दैट इज एक तो है कैटेनेशन और एक होती है टेट्रावेलेंसी। ये दो रीजन है, कैटेनेशन से आए लंबी चेन बनती है और टेट्रावेलेंसी नंबर फोर कंपाउंड्स के साथ, फोर एटम के साथ कार्बन जो है ज्वाइन कर सकता है, तो ये रीजन हो गया। तो एक नंबर का ये क्वेश्चन था और एक नंबर में आधे आधे नंबर से इनको डिवाइड किया हुआ है। इसके बाद बी पार्ट में आते हैं, कोवालेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसका हमें रीजन देना है कि जो कोवालेंट कंपाउंड्स हैं वो इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, ऐसा क्यों होता है। तो आप सबको पता है कि जो कोवालेंट कंपाउंड्स हैं वो आयन फॉर्मेशन नहीं करते हैं। आयन फॉर्मेशन क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि कोवालेंट कंपाउंड कोवालेंट बॉन्ड बनाने में अपने इलेक्ट्रॉन्स को यूज कर लेते हैं, तो यूज करने के बाद उनके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहता है और नो फ्री इलेक्ट्रॉन इज अवेलेबल, देन हाउ द इलेक्ट्रिसिटी विल बी कंडक्टेड। सो कोवालेंट कंपाउंड जो है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर टू पर। क्वेश्चन नंबर टू जो है पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट चैप्टर नंबर 5 से लिया गया है, इसमें एक टेबल दी है यहां पर जिसमें तीन एलिमेंट शो किए गए हैं, ए बी और सी। इनके एटॉमिक नंबर शो कर रखे हैं 3, 11 और 17। अब पहले भी हम इस बारे में बात कर चुके हैं, जो ट्रेंड्स वाले जो हमने वीडियो डाला था उसमें हमने बहुत अच्छे से इसको डिस्कस किया था कि आपको एटलीस्ट 20 तक के जो एलिमेंट्स हैं 1 से 20 तक उनकी पोजीशन क्लियर माइंड में होनी चाहिए, एक पिक्चर उसकी होनी चाहिए आपके माइंड में, ताकि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करें तो आपको बहुत इजीली उनके आंसर्स पता चल सके। तो देखें जब हम इस तरह की बात कर रहे हैं तो यहां पीरियोडिक टेबल में जब हम बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट में हाइड्रोजन होगा और यहां लास्ट में रहता है हीलियम। ये फर्स्ट पीरियड की बात करते हैं, फर्स्ट पीरियड है ये। सेकंड पीरियड में हमारा शुरू होता है लिथियम से और लिथियम से शुरू होकर वो नियोन तक चलता है, ये सेकंड पीरियड है। और थर्ड पीरियड हमारा चलता है सोडियम से और सोडियम से चलकर आर्गन पर ये कंप्लीट होता है। तो ये एक पिक्चर आपके माइंड में होनी चाहिए। दूसरी बात, ये हीलियम नियोन और आर्गन जो हैं ये कौन से ग्रुप में है, दीज आर इन 18th ग्रुप। इनसे पहले का जो 17th ग्रुप है उसको हैलोजन ग्रुप भी कहते हैं, उससे पहले 16th ग्रुप होता है, उसके एलिमेंट कौन कौन से हैं, ये पिक्चर आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको सोल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। अब यहां पर क्वेश्चन है, विच ऑफ द एलिमेंट्स फ्रॉम द अबाउट टेबल बिलोंग्स टू। फर्स्ट क्वेश्चन है सेम पीरियड, कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं और क्यों, इसके पीछे रीजन क्या है। ठीक है, तो सेम पीरियड से बिलोंग करने वाले पीरियड जो एलिमेंट्स होंगे उनके बीच में देखिए, अगर हम बात करें हाइड्रोजन और लिथियम की तो ये सेम पीरियड के एलिमेंट्स नहीं हो सकते, सबको पता है। ठीक है, और इसके बाद लिथियम के साथ शुरू होकर ये नियोन तक हम जाते हैं, यहां एटॉमिक नंबर 3 जो है इसका पता होना चाहिए, ये होता है लिथियम का, और एटॉमिक नंबर 11 है ये सोडियम का है, और एटॉमिक नंबर 17 दैट इज ऑफ क्लोरीन।
सो ये तीनों के हमें एलिमेंट्स के नाम पता चल गए। अब जैसे ही नाम पता चलते हैं तो हमें इनकी पोजीशन भी पता चल जानी चाहिए। जैसे हम बात कर रहे हैं सोडियम की, तो सोडियम जो है थर्ड ग्रुप का, थर्ड पीरियड का मेंबर है, और उसके सामने आर्गन से पहले, आर्गन का 18th नंबर है, तो 17th नंबर पे रहता है क्लोरीन। तो क्लोरीन यहां पे है, इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम और क्लोरीन जो है सेम पीरियड के मेंबर्स हैं। तो इसका आंसर आ जाएगा बी एंड सी, इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब वाई, अब रीजन ये देना है कि क्यों है ये, तो इसका रीजन ये होगा कि इनकी जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इनमें दोनों में जो अवेलेबल है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों का क्या रहेगा, सेम रहता है। क्यों, जैसे देखते हैं सोडियम का होगा वैलेंसी जो है, सोडियम की जो वैलेंसी है वो 1 है, और क्लोरीन की वैलेंसी भी 1 है, नेगेटिव जरूर है लेकिन 1 है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसमें शेल, नंबर ऑफ शेल कितने हैं, सोडियम में नंबर ऑफ शेल होंगे, देखिए यहां पे फर्स्ट में के शेल, देन इट कम्स एल, देन इट कम्स एम, सो एम में एम शेल है सोडियम में, और क्लोरीन में भी एम शेल ही होता है। दोनों में सेम नंबर ऑफ शेल होने के कारण इन दोनों जो है एक ही पीरियड में रखे हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि किसी पीरियड में नंबर ऑफ शेल इंक्रीज नहीं होते हैं बट नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, इसलिए ये दोनों एक ही पीरियड के मेंबर्स होंगे। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन की, तो सेकंड क्वेश्चन में हमें नेम बताना है सेम एलिमेंट, ऐसे ग्रुप एलिमेंट्स का जो सेम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। तो सेम ग्रुप से बिलोंग करने वाले कौन कौन से हो जाएंगे, तो हमने अभी देखा ग्रुप का मतलब अप टू डाउन, तो अप टू डाउन वाले कौन कौन से होंगे, तो यहां देखो लिथियम और सोडियम ये दोनों सेम ग्रुप के हो जाएंगे, क्योंकि लिथियम यहां पर है और सोडियम उसके जस्ट नीचे थर्ड पीरियड में है, तो ये हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम ये एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं, एक ही ग्रुप के मेंबर्स हैं। अप टू डाउन जब हम जाते हैं तो हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम को हम पाते हैं, सो सेम ग्रुप के। अब क्यों है ऐसा, तो देखिए इसके लिए हम देखेंगे शेल, नंबर ऑफ शेल देखेंगे और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देखेंगे। तो यहां पर नंबर ऑफ शेल के, यहां पर एल, के और एल दोनों होंगे तो दो हो गए, और सोडियम में होंगे हमारे पास के, एल और एम, इसका मतलब नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहे हैं। सो नंबर ऑफ सेल इंक्रीज होते हैं तो हम मूव कर रहे हैं इन ए पीरियड। अब बात करते हैं इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन की, तो हाइड्रोजन में भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, लिथियम में भी 1 है और सोडियम में भी 1 है, सो यहां पर बी और सी, बी और ए ये दोनों जो हैं सेम ग्रुप के मेंबर हो जाएंगे, क्योंकि दोनों में ही जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 1-1 होता है। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा आपके माइंड में। आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। नेम द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द ब्रेड मॉल्ड दैट इज कॉल्ड राइजोपस। तो राइजोपस में स्ट्रक्चर का नाम यहां पर इन्होंने पूछा है, और बहुत ही सिंपल इस तरीके से आप इसको आंसर कर सकते हैं, दैट इज थ्रेड लाइक नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। अब इसको हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। राइजोपस का डायग्राम कुछ इस तरह का होता है, ये ब्लैक ब्रेड मोल्ड फंगस है, इसको राइजोपस कहते हैं। तो इसमें आप देखिए जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ये अपर साइड में है, और जो लोअर पार्ट है ये नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो जो लोअर पार्ट है, जो नॉन रिप्रोडक्टिव है, उसका नाम यहां पर आप देख सकते हैं हाइफा, इसका नाम दिया गया है। इसके ऊपर की तरफ जो एक स्टेम लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, इसको बोलते हैं स्पोरेंजियोफोर, और जो ऊपर बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं हम स्पोरेंजियम, और इस स्पोरेंजियम में क्या डेवलप होते हैं, स्पोर्स डेवलप होते हैं, और इसके बारे में हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ था, ठीक है। सो उस स्ट्रक्चर का नाम रहेगा हाइफी, क्लियर। इसी का सेकंड पार्ट और देखिए, ब्लॉब दैट डेवलप्स एट द टिप ऑफ नॉन रिप्रोडक्टिव थ्रेड्स, इन नॉन रिप्रोडक्टिव थ्रेड्स के ऊपर ये जो ब्लॉब लाइक स्ट्रक्चर है इनका नाम क्या है, स्पोरेंजिया, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा, फर्स्ट का आंसर होगा हमारा हाइफी, हाइफा, और सेकंड का हो जाएगा हमारा स्पोरेंजिया, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है,
ड्रॉ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द फॉलोइंग पार्ट्स। देखिए इस तरह के क्वेश्चन का पैटर्न है, अभी सीबीएसई जो है पूरा एक किसी पार्ट को या किसी ऑर्गन का पूरा डायग्राम बनाकर उसको पूरे को एक्सप्लेन करने के लिए नहीं बोल रहा है, बहुत डायरेक्टली क्या क्वेश्चन आ रहे हैं कि किसी एक पार्ट का डायग्राम बनवाकर, किसी एक ऑर्गन सिस्टम का डेवलप डायग्राम बनवाकर उसमें लेबल करवाया जाता है। तो यहां पर लेबल करवाया उन्होंने साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग। इसका मतलब ये है कि अगर बच्चे को ये डायग्राम कंप्लीटली माइंड में क्लियर है तो वो इस साइट को इजीली आइडेंटिफाई कर पाएगा और इसको लेबल कर पाएगा। और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो दो साइट्स का यहां पे डिस्कस किया है, दो साइट्स के बारे में पूछा है, साइट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ एग एंड साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। चलो इसके लिए हम डायग्राम देखते हैं। तो हमें सबको पता है ओवरी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एग्स, तो यहां एग प्रोडक्शन, ओके। एंड जो सेकंड क्वेश्चन है हमारा फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब, यहां पर फर्टिलाइजेशन होता है। सो इस तरह से ये दो नंबर का क्वेश्चन हम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, ए करेंट कंटेन्स ए बैटरी ए सर्किट सॉरी ए सर्किट कंटेन्स ए बैटरी ए वेरिएबल रेसिस्टर एंड ए सोलेनॉइड, द फिगर बिलो शोज द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न प्रोड्यूस बाय द करेंट इन द सोलेनॉइड। तो इसमें देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को हमने डिस्कस किया क्या, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 हमारा छूट गया है। चलो पहले क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। वाई डिड मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन और बार बार इस क्वेश्चन के रिपीट होने के चांसेस रहते ही हैं। तो आप सबने अगर अभी तक इसको अच्छे से तैयार नहीं किया है तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि अब इसे प्लीज तैयार कर लें। तो ऐसे कौन से रीजन थे जिनकी वजह से मेंडल ने पी प्लांट को ही सेलेक्ट किया अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, तो दोज आर गिवन हियर, यू सी द फर्स्ट रीजन इज द पी प्लांट इज अवेलेबल इन मेनी वेराइटीज ऑफ ट्रेड्स, पी प्लांट की बहुत सारी वेराइटी और उनके ट्रेड्स के रूप में अवेलेबल हैं, इसलिए वेरिएशन को स्टडी करने में हेल्प मिली, बहुत इजी रह गए। सेकंड थिंग कि पी प्लांट हैव 7 डिस्टिंक्ट एंड ऑब्जर्वेबल ट्रेड्स, इसमें कम से कम कितने 7 डिस्टिंक्ट अलग अलग और दिखाई देने वाले ऐसे ट्रेड्स हैं जो एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। जैसे अगर हम बात करें टॉल, तो टॉल के साथ में ड्वार्फ यानी कि स्मॉल साइज शॉर्ट साइज, तो टॉल और शॉर्ट साइज के 2 अलग अलग प्लांट्स इसमें अवेलेबल हैं, दोनों के बीच में क्रॉस करवाकर हम नेक्स्ट जनरेशन की स्टडी कर सकते हैं। इसी प्रकार से कलर ऑफ फ्लावर, कलर ऑफ सीड, साइज शेप ऑफ सीड, ये बहुत सारे ट्रेड्स थे, इनके बारे में उन्होंने देखा और इसीलिए उन्होंने पी प्लांट को सेलेक्ट किया। थर्ड जो बेनिफिट था पी प्लांट को सेलेक्ट करने का, दैट इट इज इजीली अवेलेबल, इजी टू गेट, यानी कि पी प्लांट जो है इजीली अवेलेबल है, आसानी से इसे प्राप्त किया जा सकता है। फोर्थ इज ही कुड स्ट्रिक्टली कंट्रोल विच प्लांट मेटेड विद विच, ये भी बात है, छोटा प्लांट है, साइज में छोटा होने की वजह से वो आसानी से कंट्रोल कर सकते थे कि कौन सा प्लांट किस प्लांट के साथ में पोलिनेट होगा, बड़े प्लांट के साथ में ऐसा करना मुश्किल हो सकता था। नेक्स्ट पॉइंट इज ग्रो क्विकली, पी प्लांट जो है जल्दी से ग्रो करता है, इसलिए स्टडी में टाइम ज्यादा नहीं लगता है। और लास्ट वन इज नहीं सेकंड लास्ट वन इज दे रिप्रोड्यूस क्विकली एंड हैव अ शॉर्ट लाइफ साइकिल, छोटा लाइफ साइकिल है, जल्दी से रिप्रोड्यूस करते हैं, इसलिए नेक्स्ट जनरेशन के स्टडी करने में टाइम कम लगता है। तो ये कुछ रीजन है, इसके अलावा एक और रीजन है, दे प्रोड्यूस मेनी ऑफ स्प्रिंग्स इन वन क्रॉस, यानी एक क्रॉस में ही, आप देखते हो मटर की जो बीन्स आती है उसमें बहुत सारे सीड्स होते हैं, तो एक ही
प्रोड्यूस प्रोडक्शन के समय बहुत सारी ऑफस्प्रिंग्स का स्टडी इसमें की जा सकती है. सो दीज वर द रीजन ही सेलेक्टेड द पी प्लांट ओनली. नेक्स्ट कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 में एक सोलेनोइड को यहां पे दिखाया गया है और उससे कुछ क्वेश्चन से हमें पूछे गए हैं. द फर्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट हाउ द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न इंडिकेट्स रीजंस वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज स्ट्रॉन्गर. तो ये बहुत सिंपल है, जहां पर ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोजली शो हो रही है वहां पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा. ठीक है, और जहां पर इनके बीच में स्पेस ज्यादा होगा वो प्लेस क्या होगा, वीकर मैग्नेटिक फील्ड एरिया का प्लेस होगा. ठीक है, सेकंड पार्ट इसका, व्हाट हैपेंस टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट इन द सर्किट इज रिवर्स्ड. अभी देखिए करंट को फॉर एग्जांपल इधर से यहां से इसे फ्लो हो रहा है तो करंट जो है जनरेट हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ. तो मैग्नेटिक फील्ड जिधर जनरेट हो रहा है अगर हम इसको चेंज कर देते हैं डायरेक्शन को, यहां हमने माइनस और ये प्लस, अगर हम बैटरी के टर्मिनल्स को चेंज कर देते हैं तो करंट का डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा. और जैसे ही करंट का डायरेक्शन चेंज होता है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी. ठीक है, सो इस तरह से इसके आंसर हम कर सकते हैं. इसमें यहां पर इंटरनल चॉइस दी गई है क्वेश्चन नंबर 6 में. सो इन दिस चॉइस व्हाट इज सेड, अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस ए फोर्स ड्यू टू विच द कंडक्टर मूव्स. हाउ विल द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द कंडक्टर वेरी इफ द फर्स्ट कंडीशन इज इफ द करंट थ्रू द कंडक्टर इज इंक्रीज्ड. तो देखिए जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में अगर उसमें करंट को जो है इंक्रीज किया जाएगा तो फोर्स जो है, फोर्स जो जनरेट हो रहा है, फोर्स विल ऑल्सो इंक्रीज्ड, फोर्स भी इंक्रीज्ड होना है. ठीक है, ज्यादा करंट देना है ज्यादा फोर्स जनरेट हो जाएगा, अगर ज्यादा फोर्स चाहिए तो ज्यादा करंट को यूज करना पड़ेगा. ठीक है, सेकंड थिंग इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि लेंथ जितनी ज्यादा होगी कंडक्टर की उतना ही ज्यादा उसमें प्रोड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा. ठीक है, तो दोनों चीजों के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर करंट को इंक्रीज कर रहे हैं तो भी मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, और लेंथ को इंक्रीज करते हैं कंडक्टर की तो भी मैग्नेटिक फोर्स इंक्रीज होता है. ठीक है, दिस वाज फ्रॉम द फिजिक्स चैप्टर. अब हम आते हैं इकोसिस्टम वाले चैप्टर से आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 7 यहां पर है, व्हाट इज ओजोन. वेरी सिंपल, ओजोन क्या है, एक गैस है और कैसे बनी है ये ऑक्सीजन के 3 एटम्स से मिलकर बनी हुई गैस है, टॉक्सिक इन नेचर है और एनवायरमेंट में हायर लेवल पर ये पाई जाती है. एक्सप्लेन इट्स रोल इन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम इसका रोल है कि ये जो सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज हैं जो हार्मफुल हैं उनसे अर्थ पर रहने वाले जितने भी एनिमल्स, प्लांट्स और ह्यूमन बीइंग्स हैं सबको ये प्रोटेक्ट करने का काम करती है, एक प्रोटेक्टिंग शील्ड के रूप में ये काम करती है. सो इसका बहुत बड़ा रोल है अर्थ पर लाइफ साइकिल को चलाने, लाइफ को एग्जिस्ट करने में. इसके बाद इसी में एक इंटरनल चॉइस और दी गई है, क्वेश्चन नंबर 7 में भी दी गई है इंटरनल चॉइस. इसमें क्वेश्चन है, लिस्ट एनी 2 मेथड्स टू रिड्यूस द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल. तो वेस्ट डिस्पोजल को रिड्यूस करने के लिए कौन कौन से तरीके हम यूज कर सकते हैं, कौन कौन से मेथड हम यूज कर सकते हैं. तो पहला मेथड है मिनिमाइज द यूज ऑफ वेस्ट थिंग्स. ठीक है, पहले क्या है, पहला मेथड है डिस्पोजल, और जो आइटम है डिस्पोजल आइटम, जैसे हम ग्लास है, वाटर ग्लास, पानी पीते हैं, प्लास्टिक डिस्पोजेबल उसको थ्रो कर देते, तो वो एक्यूमुलेट हो रहा है, बाद में जाकर वो प्रॉब्लम हमारे लिए क्रिएट करता है. इसलिए प्लास्टिक के ऐसे जो डिस्पोजल आइटम हैं उनको यूज मिनिमम किया जाए, जहां तक पॉसिबल है तब तक उनका यूज ना करें. इसके बाद दूसरा रीजन हो सकता है कि जब गार्बेज कलेक्ट किया जाता है तो गार्बेज कलेक्शन में जो बायोडिग्रेडेबल
एंड नॉन बायो डिग्रेडेबल जो वेस्ट है उनको सेपरेटली सेपरेट रूप में डंप किया जाए, डंपिंग के पहले उनको सेपरेट कर लिया जाए, और जो नॉन बायोडिग्रेडेबल हैं उनको रिसाइकिल करके, रीयूज करके और उनके यूज को रिड्यूस किया जा सकता है। ठीक है, रिसाइकिलिंग किया जा सकता है, रिड्यूस किया, तीन आर यहां पर हम लिख सकते हैं, आर आर और आर, री मीन्स रिसाइकिल, रीयूज एंड रिड्यूस, तीन आर हम यूज करके मिनिमाइज कर सकते हैं किसको, वेस्ट डिस्पोजल को। इसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर एट में। क्वेश्चन नंबर एट सेज व्हाट आर होमोलोगस सीरीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट, फिर से चैप्टर नंबर फोर में हम चलते हैं, केमिस्ट्री का ये पार्ट है। तो होमोलोगस सीरीज जो है वो कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड है, तो ये क्या होते हैं, तो इसके लिए हम देखिए, अगर हम लिखना चाहें तो इसको इस तरह से हम डिफाइन करेंगे, द होमोलोगस सीरीज, और हम कह सकते हैं होमोलोगस सीरीज कंपाउंड्स आर the compounds with similar structure इनकी similar है, similar properties हैं, तो फिर differ क्या है, but differ by a group of CH2, एक CH2 ग्रुप से इनमें डिफरेंस होता है, और जो सक्सेसिव मेंबर उसके एटॉमिक मास में CH2 टोटल मास कितना हो जाएगा, 12 प्लस 2 मीन्स 14 का डिफरेंस आ जाता है। तो होमोलोगस सीरीज के जो सक्सेसिव मेंबर्स हैं उनमें CH2 ग्रुप का डिफर होता है और टोटल 14 AVMU का डिफरेंस होता है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम इसी के सेकंड पार्ट की, लिस्ट एनी टू डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। देखो ये बहुत इजी है, सैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें सिंगल बॉन्ड होते हैं, और जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं उनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। फर्स्ट डिफरेंस यहां पर आ गया। सेकंड डिफरेंस की अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जब बर्न होते हैं तो वो ग्रीन फ्लेम के साथ में, यानी ब्लू फ्लेम के साथ में वो जलते हैं और मिनिमम स्मोक प्रोड्यूस करते हैं, जबकि अनसैचुरेटेड जो हाइड्रोकार्बन्स हैं जब उनको बर्न करवाया जाता है तो वो फ्लेम के साथ में, येलो फ्लेम के साथ में और लॉट्स ऑफ स्मोक के साथ में वो बर्न होते हैं। ठीक है, तो ये इनमें मेजर डिफरेंसेस हैं। इसके बाद इंटरनल चॉइस यहां पर क्वेश्चन नंबर एट में भी दी गई है, तो व्हाट आर आइसोमर्स, आइसोमर्स क्या है, ठीक है, आइसोमर्स किसको कहते हैं, तो उसके बारे में, ड्रॉ द स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ ब्यूटेन, इसके बारे में हम बात करेंगे यहां पर। तो आइसोमर्स क्या होंगे, चलिए यहां देखते हैं। तो आइसोमर्स जो है ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक फॉर्मूला तो सेम होता है, एटॉमिक फॉर्मूला इज सेम बट स्ट्रक्चर इज डिफरेंट। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड्स
जिनके एटॉमिक फॉर्मूला तो सेम होते हैं लेकिन उनकी स्ट्रक्चर क्या रहती है, डिफरेंस रहती है, डिफरेंट रहती है, ऐसे कंपाउंड्स को हम कहते हैं आइसोमर्स। यहां पर एक आइसोमर का एग्जांपल भी पूछा है इन्होंने, तो किसका पूछा है इन्होंने, ब्यूटेन का, ब्यूटेन का आइसोमर हम यहां पर ड्रॉ करके दिखाएंगे। ब्यूटेन मीन्स फोर कार्बन यहां पर होने चाहिए, सो वन टू थ्री फोर ब्यूटेन, एन जब आ रहा है इसका मतलब सिंगल बॉन्ड यहां पर होना है, प्रीफिक्स सफिक्स में आपने बात की थी, ब्यूट इसका प्रीफिक्स है और एन इसका सफिक्स है, सिंगल बॉन्ड के साथ में एन रहेगा। अब इसके साथ में हम ऐड करेंगे हाइड्रोजन को, तो कार्बन के चार हाथ कंप्लीट होने चाहिए, हम पहले बात कर चुके हैं, चार हाथ हम यहां पे कंप्लीट कर देंगे, वन टू और थ्री और एक यहां पे ब्लैक कलर से हमने शो किया। इसके बाद हाइड्रोजन, सभी जगह हाइड्रोजन के साथ इसके हैंड्स कंप्लीट कर देंगे हम, यहां पर तीन हैंड्स जुड़ेंगे, ये हो गया हमारा ब्यूटेन और इसको बोलेंगे ब्यूटेन और फॉर्मूला इसका रहेगा C4 और H10, ये इसका फॉर्मूला रहा। इसके बाद बात करते हैं इसी का आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, आइसोब्यूटेन में जो फॉर्मूला है थोड़ा स्लाइटली चेंज हो जाएगा, कैसे करेंगे, कार्बन के साथ में एक कार्बन को और जोड़ देंगे इस तरह से, तो इसको यहां जोड़ देंगे। अब कार्बन कंप्लीट हो गए, अब कार्बन के हैंड्स हमें कंप्लीट करने हैं, कार्बन हैंड्स कंप्लीट करने के लिए अब हम हैंड्स कंप्लीट कर देंगे, ये फोर हो गए, ये भी फोर हो गए, इसके भी फोर हैंड्स और इसके भी ये फोर हैंड्स और इनके साथ हम हाइड्रोजन को अटैच कर देंगे यहां पर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आइसोब्यूटेन। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं, ये आप डायग्राम इसका देख सकते हो, बनाकर दिखाया और ये पहले से ड्रॉ है हमारा। इसके बाद यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 9 को हम देखते हैं, चूज एन एलिमेंट फ्रॉम पीरियड नंबर 3। अब फिर से वहीं पर आते हैं, तो देखो पीरियोडिक टेबल लर्न होना बहुत जरूरी है, तो पीरियड नंबर 3 ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल दैट मैचेस द डिस्क्रिप्शंस गिवन बिलो इन ईच इंस्टेंस, गिव रीजन फॉर योर चॉइस। हमें पीरियड नंबर 3 को ध्यान में रखना है, उसी में से सेलेक्ट करना है और उसकी कंडीशंस दी गई हैं, इट हैज ए सिमिलर स्ट्रक्चर टू डायमंड। अब चलते हैं हम थर्ड पीरियड में, दिस इज द फर्स्ट पीरियड, ये सेकंड पीरियड, इसकी बात नहीं करेंगे, थर्ड पीरियड में हम बात करेंगे। तो डायमंड, डायमंड किसका एलोट्रोप है, दैट इज एलोट्रोप ऑफ कार्बन, तो कार्बन से सिमिलर स्ट्रक्चर रखने वाला जो एलिमेंट होगा दैट इज सिलिकॉन, तो यहां पर बात, और सिलिकॉन की जो स्ट्रक्चर है वो भी टेट्रागोनल होती है, ठीक है, टेट्राहेड्रल इसकी स्ट्रक्चर होती है, इसकी वैलेंसी भी टेट्रावैलेंसी होती है, फोर वैलेंसी होती है, इसमें भी कैटेनेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है और कोवेलेंट बॉन्डिंग इसमें होती है, इसलिए ये सारे जो प्रॉपर्टीज हैं ये कार्बन के साथ इसमें मैच कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इन्हीं का है, इट हैज सेम वैलेंसी एज लिथियम, तो लिथियम की वैलेंसी पहले देखनी है हमें, लिथियम की वैलेंसी होती है 1, तो अब इन ग्रुप में थर्ड ग्रुप में 1 वैलेंसी किसकी है, तो 1 वैलेंसी वाले यहां पर हमारे पास 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, एक है सोडियम और एक है क्लोरीन, ठीक है, लेकिन ध्यान ये रखने यहां पर क्लोरीन यहां पर आंसर नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि अगर क्लोरीन की उन्होंने पूछनी होती तो वो फ्लोरीन के सिमिलर एलिमेंट को पूछते, उन्होंने पूछा है लिथियम की सिमिलर प्रॉपर्टीज को, तो सिमिलर प्रॉपर्टी है इसीलिए सेम ग्रुप में इनको रखा गया है, तो लिथियम के साथ में सिमिलर प्रॉपर्टी रखने वाला जो एलिमेंट है दैट इज सोडियम, और क्यों है, क्योंकि इसमें भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिथियम में 2 और 1 होता है, 2 और 1, और सोडियम का हमारा होगा 2, 8 और 1, तो दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होता है, ठीक है, इसलिए सोडियम इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थर्ड, इट हैज वेरिएबल वैलेंसी
एंड इज ए मेंबर ऑफ ऑक्सीजन फैमिली। अब यहाँ पर थर्ड ग्रुप में देखना है, थर्ड पीरियड में हमें देखना है कि ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर कौन सा होगा। तो ऑक्सीजन फैमिली का मेंबर होगा हमारे सामने सल्फर। अब सल्फर जो है इसकी ऑक्सीजन से सिमिलरिटी को देखें अगर हम, तो ये ऑक्साइड्स बनाता है, ठीक है। क्वेश्चन को देखिए, वेरिएबल वैलेंसी की बात कर रहे हैं, तो देखो वेरिएबल वैलेंसी है सल्फर की, वेरिएबल वैलेंसी है 2, 4 और 6, ये अलग अलग इसकी वैलेंसीज होती हैं, ठीक है। क्यों होती हैं ये हायर क्लासेस में आप इनको समझेंगे कि ये किस तरह से इसकी वेरिएबल वैलेंसी आगे आगे बढ़ती है। तो ये ऑक्सीजन के साथ सल्फर जो है इस तरह से भी जुड़ सकता है SO2 और SO3 के रूप में भी। अब आप आसानी से समझ जाएंगे कि SO2 में सल्फर की कितनी ऑक्सीडेशन है और SO3 में कितनी वैलेंसी यूज हो रही है, ठीक है। आगे वाला क्वेश्चन जो अगर हम देखें, क्वेश्चन नंबर 10, साहिल परफॉर्म, इसमें एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, पैटर्न ऑफ जीन्स, और क्वेश्चन क्या रखा गया है यहां पर, पी प्लांट लिया, टॉल पी प्लांट जिसको इस तरह से शो किया गया है, शॉर्ट पी प्लांट को स्मॉल टी से किया गया है, और फर्स्ट जनरेशन में F1 में सभी टॉल प्लांट्स उन्होंने गेन कर लिए, दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। आगे समझना यहां पर था, व्हेन F1 प्लांट्स वर क्रॉस्ड पॉलिनेटेड विद द प्लांट्स हैविंग TT जीन्स। देखो हमने जो बुक में पढ़ा वो सेल्फ पॉलिनेशन के बारे में पढ़ा था, यहां पर हो गया है क्रॉस पॉलिनेशन। तो ये थोड़ा सा जो डिफरेंस था, बच्चों ने कितना ध्यान दिया कितना नहीं दिया ये तो बाद में पता चलेगा, लेकिन आप ध्यान रखें इस तरह की अगर कंडीशन आती है आपको ध्यान से इसको रखना है। तो देखो फर्स्ट जेनरेशन में जो F1 जेनरेशन में जो प्लांट्स हमें मिल रहे हैं वो होंगे जैसे टी और स्मॉल टी, गैमेट फॉर्मेशन होगा, कैपिटल टी, स्मॉल टी, और फिर इनमें क्रॉसिंग होगी। तो इस तरह से हमारे पास नेक्स्ट जेनरेशन बनेगी, और ये सारे ही प्लांट कैसे होंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले, यानी कि इम्प्योर टॉल, इसको हम कह सकते हैं इम्प्योर टॉल प्लांट्स हमें F1 जेनरेशन में मिलते हैं, ये F1 प्रोजनी आ गई हमारे। अब बात हो रही है यहां पर, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि इनमें से जो F1 प्लांट्स हमें मिले इनका अब क्रॉसिंग करवा रहे हैं TT जीन्स से, ठीक है। अब यहां ध्यान देना जरूरी है, तो इनका जब कैपिटल टी स्मॉल टी और यहां पर है बोथ स्मॉल, गैमेट फॉर्मेशन होगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी सेपरेट होंगे, स्मॉल टी सेपरेट हो जाएंगे, फिर इनमें पॉलिनेशन होगा और जो कॉम्बिनेशन होगा वो इस तरह से बनेगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर भी कैपिटल टी स्मॉल टी, यहां पर बोथ आर स्मॉल टी। तो इस तरह से नेक्स्ट जनरेशन F2 प्रोजनी हमें मिलती है। अब क्वेश्चन में फिर से देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, Having TT, a total of 800 plants were produced. Total 800 plants हैं यहाँ पर. Total 800 plants. अब out of 800 यहाँ पर question होगा, How many of these would be tall, medium height or short plants? चलिए ध्यान से देखते हैं. तो tall यहाँ पर कितने होंगे? Tall का मतलब both are capital T. Medium height वाले होंगे कितने? तो मीडियल कैपिटल टी स्मॉल टी, और शॉर्ट कितने होंगे? शॉर्ट होंगे हमारे स्मॉल टी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो कैपिटल टी जीरो है, कैपिटल टी और स्मॉल टी हमारे ये दो हैं, और स्मॉल टी ये भी दो है। अगर दोनों का रेशो हम निकालते हैं तो 1:1 रेशो हमारे सामने आता है। ये क्लियर हो गया। गिव द जीनोटाइप ऑफ F2 जनरेशन। F2 जेनरेशन का जो जीनोटाइप होगा हमारा वो क्या होगा वो देखिए। F2 जेनरेशन में ये यहां पर है कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी, ये कैपिटल जीनोटाइप होगा हमारा, ठीक है। दो हो जाएंगे कैपिटल टी स्मॉल टी वाले और दो हो जाएंगे स्मॉल टी वाले।
क्योंकि हमारा वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम क्वेश्चन नंबर यहीं तक इसको रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 तक हमने डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 और 11 से लेकर 15 तक के क्वेश्चंस को हम आगे के वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। ओके, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।